चलिए भाई, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसे कुछ दी एग्जांपल कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, फिर पहुंचते हैं या फिर बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड के। वी कितना हो गया, वी एक्स आई प्लस बी वाई जी प्लस बी जेड के। देन फाइंड मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी। ठीक है, ए एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर पूछा था ए प्लस बी सिंपली अगर ऐड करना है आई को करेंगे आई साइड, जे को जे से, के को के से। अगर मान क्या करते हैं इसको माइनस करना है तो आई को करेंगे माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई, अर्थात ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू आई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या निकालना नंबर वन, ठीक है फर्स्ट निकालना आपको मॉड ऑफ ए, कई बार पास मॉड ऑफ क्या हो गया अंडर रूट, इधर दोनों को बैठक बैठा हो भाई रूट को ए वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए जेड स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा ये रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्या निकालते हैं ए डॉट बी निकालते हैं। अब यहां क्या गया, पहले वेक्टर ए लिख लिया, वेक्टर बी लिख लिया। अब देखिए डॉट क्या होता है, आई का इंटू आई करना है, जे का जे करना है, के का के, सिंपल रूल है। क्यों, अगर आई के टू ले जाएंगे जे में, आई डॉट जे कितना जीरो होता है। ठीक है, और बताया पीछे बताया रूल में कि आई डॉट जे इक्वल टू जीरो होता है। क्यों जीरो हो गया, बहुत सिंपल लॉजिक इसकी है, आई क्या है इनवेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन, जे हमारा इनवेक्टर है कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन, और आई मीन्स एक्स एक्सिस, जे मीन्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो इंटू कॉस थीटा, कॉस हो गया 90, जैसे कितना हो गया जीरो हो गया। ठीक है, वैल्यू किसकी हो गई आई डॉट जे, आई डॉट के जो मतलब डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, चलिए ए का आई इंटू आई में, जे का जे में, के का के कर देते हैं, कितना हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई आंसर हो गया, इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू कितना हो गया ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, ए डॉट बी इंटू क्या जो निकल गया, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती सारे निकाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है एंगल बिटवीन, हम चाहते अगर आपको एंगल निकालना हो एक बार जरूर ट्राई करिए इससे डॉट प्रोडक्ट से, एंगल कितना हो गया सिंस ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू हो गया मॉड ऑफ बी इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, दैट्स व्हाई कॉस थीटा कितना हो गया मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, सारी बल्कुल करते हैं आंसर हो जाएगा। ठीक है, या कितना आंसर हो गया ए डॉट बी कितना हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन कितना हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी वैल्यू हमारी किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा, देन वी कैन फाइंड थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दी वैल्यू। ओके, तो इसमें देखो एक दो रूल और है जिसे बोलते हैं, एक होता है कोसाइन लॉ बोलते हैं, कोसाइन लॉ या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं कॉस लॉ हो गया। ठीक है, कॉस लॉ क्या होता है, हाँ जैसे कोई वेक्टर मान लीजिए है, कोई वेक्टर इसका दिया है ए दिया है बी दिया है सी दिया है, एंगल कितना हो गया ए, एंगल कितना हुआ बी, एंगल क्या हो गया सी, साइड क्या हो गई ए, नहीं एक सामने साइड क्या हो गई फ्रंट साइड ए, सी हो गई बिग साइड बी हो गई। याद करिए इसमें क्या होता है, पहला इसमें था कॉस ए, कॉस ए क्या हो गया कॉस ए, इसके सामने दो बचा ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ए भी अक्सर आता है दिक्कत से, ऐसे ही कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी निकालना है, कॉस बी कितना हो जाएगा बी ले रहे बी सामने छोड़ दीजिए तो हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पॉइंट टू सी ए। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा,
हाँ कर लेते हैं, इक्यासी कितना हो जाएगा, इक्यासी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इसे बोलते हैं कोसाइन लॉ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आएगा इसे बोलते हैं साइन लॉ, साइन क्या होता है सेम सी टाइम, ठीक है। इसको अगला क्या हो गया कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन क्या साइन सी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइन रूल, ये दूसरा क्या कोसाइन रूल हो गया, ठीक है। इसका भी इसका होता है जैसे जो होता है कॉस रूल कोसाइन रूल फाइंड करते हैं एंगल। एक और देखो इसी होता है, इसे बोलते हैं लॉमिंग थ्योरम, ठीक है। कई मान लीजिए इसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो क्या बोलते हैं लॉमिंग थ्योरम, ठीक है ना, लॉमिंग थ्योरम कि कहीं कहीं पढ़े होंगे, एक बार फिर रिवाइज हो जाए आपका। इसमें क्या तीन वेक्टर हैं, अगर तीन वेक्टर हैं किसी एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली क्या है यूज क्या है एक्ट कर रहे हैं और तीनों आपस क्या है इक्विलिब्रियम में है। इधर मान लो क्या वेक्टर ए हो गया, इधर वेक्टर क्या हो गया बी हो गया, इधर वेक्टर क्या सी हो गया, तीनों थ्री वेक्टर में क्या देखेंगे तीनों मान लो फोर्स हो गए, तीनों वेलोसिटी कुछ भी हो गया इस तरह से तो थ्री वेक्टर्स हो गए ना। यहाँ देखिए ए के सामने मान लीजिए एंगल कितना हो गया अल्फा हो गया, बी सामने क्या मान लीजिए बीटा हो गया, सी सामने क्या हो गया गामा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर ए जो दिया रहेगा अर्थात ए अपान क्या हो गया साइन अल्फा, बी अपान क्या हो गया साइन बीटा, सी अपान क्या हो गया साइन गामा, सीबी रूल धारक थी, ठीक है। और कहीं पर भी अगर एंगल निकालने बात आ जाए एक बार जरूर याद करिए किसको डॉट प्रोडक्ट को, उससे एंगल निकालने में काफी हेल्प मिलती है हमको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और देखते भाई कैसे हल करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्या हो गया हमारा इफ वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी फाइंड एंगल बिटवीन ए प्लस ए एंड बी और बी एंड सी और क्या ए एंड सी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। या अगर कभी कैसे देता है ए इक्वल टू बी प्लस सी हो गया और दे दिया गया है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा दे दिया देन फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी को दिया जाता है। अगर ऐसा दे रहा है कि कोई कंडीशन दे दिया तो प्रयास कीजिए कैसे फाइंड करेगा एंगल, तो निकालते हैं पहुंचते हैं लॉग पैरेलोग्राम पर या लॉग ट्राइंगल पर, ठीक है ना, उसके बीच निकलता है। यहाँ दोनों क्या इसका जब लगाएगा लॉग ट्राइंगल तब यहाँ इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन इसको सॉल्व कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते भी मिल जाएगा उसका भी, पहले इसको देखिए यहाँ क्या निकालना है। पहला काम क्या है जैसे यहाँ दिया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी दिया है, गिवन है ना, हमें देखिए किसके किसके बीच एंगल निकालना, पहला काम क्या था किसके किसके बीच एंगल निकालना, जिसके जिसके बीच एंगल निकालना है पहले उनको एक साथ करेंगे। पहला काम जैसे यहाँ निकालना ए बी, ए बी एक साथ करेंगे, बी सी निकालना है बी सी भले साथ में है, अगर ए सी निकालना है ए सी एक साथ करेंगे, पहला काम निकाल लेंगे और फिर तुरंत क्या करते हैं तब तुरंत कर देंगे इसका इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, क्या कर देंगे इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंगल निकल जाएगा आपका। देखो हमने क्या है यहाँ पे ए बी निकालना है तो फर्स्ट ले रहे हैं फर्स्ट, यहाँ हो गया ए माइनस बी इक्वल टू सी हो जाएगा, अब करेंगे इसका इट सेल्फ प्रोडक्ट, मैंने इट सेल्फ क्या हो गया उसका प्रोडक्ट वेक्टर का प्रोडक्ट उसी से कर दीजिए इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इधर के भाई क्या हो जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इंटू करिए देखो ए डॉट ए कितना हो गया कर दिए ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस क्या हो जाएगा बी डॉट बी इक्वल टू क्या सी डॉट सी पहले है, अब तो याद आ गया यहाँ पे ए डॉट बी हो गया, यहाँ ए डॉट ए इटसेल्फ प्रोडक्ट जाता है ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस बी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ से क्या चाहिए ए बी कॉस थीटा चल को बी ए कॉस थीटा बात एक ही आती है, डिस्टेंस क्या हो गया डिस्टेंस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, या कितना हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया टू ए बी कॉस थीटा, हम निकाल लेंगे कितना भाई यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
अपॉन ट्वाइस ए बी, ये थीटा को कैंसिल कर जाएगा, यही समान हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक क्या हो जाएगा, ए होगा थीटा वैल्यू हो गई, इसका सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्या देता है, अगर ये देता है यूनिट वेक्टर तो भी निकल देता आराम से, क्या दमा ले देता है सपोज एट, क्या इसे क्या कर देता है क्वेश्चन में, मैंने कहता है कि वेक्टर ए ना, क्या देता है वेक्टर ए कैप इक्वल टू क्या है बी कैप प्लस सी कैप ऐसा है, तब निकालो एंगल, सब कुछ सेम जाता ना, वैल्यू क्या होता है यहाँ, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू सारी वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता भाई ना, तो होता है ए कैप कितना होता है यहाँ पे, ए कैप इक्वल टू इसका मॉड में ना, इसका मॉड कितना हो गया वन हो गया, इक्वल टू क्या बी कैप का मॉड कितना है बी वन हो गया, सी कैप मॉड कितना है बी वन हो गया। अब दे दो मालिक इफ ए कैप इक्वल टू बी प्लस सी का सारा कैप है तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या एंगल होगा, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स है ना, हम लगा के देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी है, जो कितना हो गया कॉस इनवर्स वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना टू इंटू वन इंटू वन, कितना है भाई ये देखो कॉस इनवर्स वन बाई टू आ गया था, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक, अगर ये देखता कि ए का इक्वल टू बी का प्लस सी देन वैल्यू क्या थी, तो हमारी कितना था कॉस 60 वैल्यू आती ना उसकी, इस क्लास के यार ये भी ध्यान रखें कि नहीं कि रूल जो पढ़ लिया उस पर क्वेश्चन कुछ भी चेंज किया सकता है, जिससे क्या चेंज कर रहे हैं तो रूल हमारा वही रहेगा, नियम वही रहेगा, जो चेंज किया जा रहा है चेंज के अनुसार अपने को चेंज, ठीक है, बैलेंस करना चाहिए आंसर मिल जाएगा। ठीक, सुन सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें क्या हो जाएगा, हमने इसका सिंपल बता दिया था लॉजिक, अगर दो वेक्टर के आपस में रोटेट कर रहे हैं अबाउट एनी एक्सिस सिंपल क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ इसका होता है मैथमेटिकल फॉर्म, सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, क्या हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है, यह होता है मॉड ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू हो गया साइन थीटा, क्या हो गया एन कैप, यहाँ देखिए एन कैप क्या है हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, यही क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन, क्या बताता है डायरेक्शन, ये पूरा चीज हमारा क्या हो गया, ये पूरा चीज मैग्नीट्यूड हो गया, जो इंटू करेंगे उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड आएगा, ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे, ये कन्फर्म होना चाहिए करेगा डायरेक्शन, तो क्या होता है ये होता है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर ध्यान रखिए इसको। ठीक है, सिंपल और एक लॉजिक इसका इस्तेमाल क्या है, आप बोतल ले लीजिए सीसी पानी पीने की बोतल ना, उसे घुमाइए, ढक्कन घुमाना है, बोतल नहीं घुमाना है, ठीक है, जो इसका ढक्कन है जो घुमाएंगे जब देखेंगे जब घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में ढक्कन जाएगा ऊपर की ओर, इसका कैसे घुमा रहे हैं अगर देखें जैसे लाइक उसका अलग ट्रैक लग रहा ना, हम फोर्स लगा रहे हैं उंगली से, फोर्स लग रहा है इधर, यहाँ आर होता ना तो आर क्रॉस एफ, जब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऊपर, और एफ क्रॉस क्या हो गया अगर घुमाएंगे क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा नीचे, इसलिए इसका एक सिम निकालते हैं थे बोलते हैं थंब रूल हो गया ना, करके घुमाया जाता है इस बात से घुमाने का, सबसे आसान क्या तरीका है आप देखिए रोटेशन का क्या उसके डायरेक्शन है और रोटेशन क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, साथ साथ वो किस प्लेन में है, क्या देखना जरूरी है किस प्लेन में है, उस प्लेन के अकॉर्डिंग उसको हम निकाल सकते हैं, ध्यान नहीं देखना, ठीक है ना, तो बार क्या हो गया इस क्लास से एक राज में कितना हो गया, तो यहाँ हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया, तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक इसको देखते हैं भाई, चलिए शुरू करिए प्रॉपर्टीज, इस पे हमें लग लगेगी न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पहला क्या नंबर वन, देखो यहां क्या होता भाई, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मीन्स दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की चेंज आ रही ना, दैट्स व्हाई दिस नॉट फॉलोज कॉमुटेटिव लॉ, ए कॉमुटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। फिर क्या तब क्या होता है, बट होगा क्या फिर, तब क्या होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया माइनस बी क्रॉस ए, माइनस हो जाएगा लेकिन प्लस नहीं होता है, ठीक है, पहला रूल हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी है, सेकंड देखिए ए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, मीन्स अगर ए क्रॉस कितना है बी प्लस सी कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अगला क्या है नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाँ अगर मान ली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, वेक्टर ए क्या है एफ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर बी, देन क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या हो गया, इंटू साइन 90 हो गया ना, एन का एप आ जाएगा, क्या गया एन का एप, मीन्स हमारा क्या है एक रास्ते की जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। अब एक चीज की ध्यान रखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड वेक्टर सी, फाइंड करना कोई चीज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या करेंगे, तो यहाँ सी हो गया ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर दिया उसको परपेंडिकुलर माने क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तुमको ए क्रॉस मिल जाएगा। ऐसे ही अगर निकालना आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है क्या यूनिट वेक्टर, तब क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ ही निकालना है इनके अपना, देखो यह हो गया ए क्रॉस बी करेंगे इक्वल टू क्या है हमारा ए बी साइन थीटा आएगा, ए बी साइन थीटा क्या हो गया वही आपका ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा, क्या होगा मॉड इनटू एन कैप निकाल दो आंसर हो गया, दिस मींस यही आपका एन कैप क्या हो गया, एन कैप हो गया ए क्रॉस बी अपान कितना हो गया अपान ए क्रॉस बी का मॉड, इसी के क्या इसी बोलते क्या इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर, ओके। यहाँ भाई क्या इसका दिया पैरेलल ये प्रूव कर लेंगे, अगर यहाँ सेम वेक्टर हो गया आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा, आर कितना हो गया जीरो, ऐसे आई क्रॉस जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे इसको रिवर्स कर देंगे माइनस आ जाएगा, या सिंपल स्क्वायर सर्कल में आई जे के अगर चल रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज आई क्रॉस जे तीसरा आएगा, जे क्रॉस से आई आ गया के क्रॉस आई जे आ जाएगा आराम से, एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा पहले सर निगेटिव हो जाएगी। अगर हमको एक रात भी करना है तो इसको क्या करेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए हो जाएगा हमारा बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के हो जाएगा। अब क्या है अब यहाँ इसको बाई डिटरमिनेंट सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है यहाँ पे बिल्कुल कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आई रहेगा आई कॉलम आई रो छूट जाएगी, यहाँ ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड आ गया, जे लिया यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ ए जेड बी जेड और ए एक्स जेड आ गया अर्थात ए कॉलम ए रो छूट जाएगा, ऐसे के हो जाएगा। पहचान देखे क्या है जो इस पहले का जो सेकंड आया थर्ड सेकंड का फर्स्ट आएगा, यहाँ देखो इसका सेकंड इसका फर्स्ट आ गया ये वाला क्या है पहले भी आ गया सेम हो जाएगा। फिर इसको करें पहले का जो ऊपर से माने ए वाई से बी एड फिर ए जेड माइनस बी वाई करेंगे ऐसे ए जेड बी एक्स माइनस ठीक है इस बार से इंटू करेंगे ए क्या होता है हमारा ए होता है ठीक है ए क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा इनका डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ठीक। और कहा इसका देखो और कहा इसका यूज होता है अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया अगर दो साइड दी गई है अगर हमें उस ट्राइंगल की निकालना है एरिया निकालनी है तो भी निकालते किससे बाई क्रॉस प्रोडक्ट नोट कर लीजिए भी। अगला क्या नेक्स्ट है क्या हो गया अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ठीक क्या होता है भाई होता है वन बाई टू
ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड रहेगा, ध्यान रखिए इसका मॉड हो गया ए क्रॉस बी का मॉड करेंगे इंटू वन बाई टू माना ही तभी करेगा। ठीक है हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या है अगला निकालना आपको, क्या निकालना एरिया ऑफ एरिया क्या निकालना पैरेललोग्राम, क्या निकालना पैरेललोग्राम। तब क्या होता है ये होता सिंपल ए क्रॉस बी होता है वेयर ए और बी क्या हो गया साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वन अपॉन टू ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे वेयर ए एंड बी क्या हो गया साइड ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है क्या बता दिया ए क्रॉस बी निकालेंगे सिंपल ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे इसका देखो वेयर ए एंड बी साइड ऑफ ट्रायंगल। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है अगर निकाला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए टुवर्ड्स बी या बी कंपोनेंट एक तरफ कितना होगा। ठीक है तो अगर कंपोनेंट ऑफ ए टुवर्ड्स बी निकालना है ए डॉट बी इनटू बी अपॉन ए मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ बी निकालना है बी का टुवर्ड्स ए बी डॉट ए इनटू ए अपॉन ए स्क्वायर। देखो कुछ नहीं सिंपल है इसमें लेके अगर दे दिया जाए कि ए का कंपोनेंट बी तरफ क्या होता है इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा इधर ए कॉस थीटा आएगा ना। ठीक अब देखिएगा ए का कंपोनेंट बी तरफ निकाल के ए कॉस थीटा आया हमको ए कॉस निकालना है। अब देखो क्या चीज क्या दे रहा है ध्यान समझिए ए डॉट बी इंटू क्या दिया है इंटू वेक्टर बी दिया है अपॉन क्या दिया है मॉड ऑफ बी का स्क्वायर दिया है मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो क्या मिलेगा ये है सॉल्व करिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा हमारा कितना ए डॉट बी हो जाएगा यहाँ पर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बी जो क्या हो गया ये हो गया मॉड ऑफ बी इंटू बी का एफ हो जाएगा अपान मॉड ऑफ बी का स्क्वायर क्या हो गया सिंपल बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर किससे कटेगा बी से कैंसिल हुआ अर्थात ए कॉस थीटा आया किसकी तरफ आ रहा है बी कैप की तरफ आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ जो हमने ए डॉट बी इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर किया कितनी आ रही है ए कॉस आ गया ना ए कॉस कहाँ जा रहा है बी कैप की तरफ अर्थात बी की डायरेक्शन तरफ गया ना दैट्स व्हाई हमारा क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ ए टुवर्ड्स बी सेम वे कंपोनेंट ऑफ बी टुवर्ड्स ए तो वैल्यू दी जाएगी वैल्यू से रखेंगे ये सारे क्या हो गए ये सभी हमारे हो जाएंगे कई रूल हो गए इस पे डिफरेंट रूल पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आपको मिलते हैं पहले रूल को ध्यान से पढ़िए दो बार कुछ न्यूमेरिकल लगाइए और मैक्सिमम क्वेश्चन पे ऐसे सॉल्व करिए जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके तब सारे रूल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है क्योंकि एग्जाम कोई एक रूल पूछा जाएगा चलिए भाई ठीक नेक्स्ट चीजें बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल बाकी रिलेटिव इलास्टिक रूल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो ओके भाई।